किसान अमोल्ला किसान ही हीरो बनने। नमस्ते किसान, मैं हूँ महावीर किसान छत्तीसगढ़ से। आज हैं हम अपने खेत में रेवा प्लस विजिट करने के लिए आए हुए हैं बाहर से। सरपंच जी है बहनाकाड़ी से अशोक बंजारे जी, उनको भी केला लगाना है। घूमने आए हैं कि कैसा रहता है रेवा प्लस का कचरा मल्चिंग। अभी हमारे खेत में पैरा जो रहता है उसका मल्चिंग करवा रहे हैं। बोलते हैं कि पैरा को कैसे डालना है। देख सकते हैं कि ये बेड है, पूरे बेड में हम पूरे पैरे को इसको डालेंगे। इसी को बोलते हैं पाली, इसको बोलते हैं नाली। एक नाली साफ रहेगा, एक पाली में कचरा रहेगा। देख सकते हैं पूरे हम पूरे खेत में अभी पैरा मल्चिंग करवा दिए हैं। किसान खर्च कम कैसे हो, इसी को तो आगे बढ़ा रहे हैं कि खर्च कैसे कम करना है। वेस्ट इसी पैरा को खेत में जला देते हैं किसान, तो इसको जलाना नहीं है। खाद के रूप में हम इसको अवशेष जो बचा है पैरा उसको हम डालेंगे और इसको मल्चिंग करेंगे। इसको हल्का हल्का इसको पैरा के मल्चिंग। और ये हमारा रेवा प्लस 70% इसमें फ्लावरिंग आ चुका है। बंच देख सकते हैं कितना हाइट लेंथ, इस तरीके से बंच रेवा प्लस में बना हुआ है। एक फन्नी में, उसके ऊपर वाले फन्नी में 30-32 केला है। इसमें वीएम स्प्रे अभी कंटिन्यू चल रहा है। इसमें वीएम स्प्रे टैग लगा हुआ है। वीएम स्प्रे का देख सकते हैं इसमें दाग, मिट्टी का स्प्रे। इसमें मिट्टी का स्प्रे फ्लावरिंग आ भी रहा है। और भैया जी परिचय देंगे आप भैया कि आप क्या देखने आए हैं यहाँ और क्या सीखने आए हैं। राम राम भैया, मैं अशोक बंजारे सरपंच ग्राम पंचायत बहनाकाड़ी विकास खंड आरंग। भैया लोग को देख के मैं भी अभी रेवा प्लस का खेती करना चाह रहा हूँ। किसान खर्च कम करके हम उत्पादन लेना है, उत्पादन ज्यादा 70-30 में जाना है, कहना है। तो हम लोग भी 70-30 में अभी खेती करेंगे केला के। और भैया लोग के मार्गदर्शन में आगे केला की खेती करके बढ़ना है भी। किसान बलराम किसान के गाइडलाइन पूरा फॉलो करेंगे। इस तरीके से सोच रखकर सब किसान अभी विजिट में आ रहे हैं कि रेवा प्लस है क्या। आपको दिखा दें कि ये सब सामने ही में है कि रेवा प्लस का बंच कैसे आ रहा है। बोलते हैं देख सकते हैं कि हर बंच क्वालिटी बना हुआ है। हर बंच में आप देख सकते हैं मिट्टी का स्प्रे, ये मिट्टी का लेप लगा हुआ है, मिट्टी का स्प्रे वीएम स्प्रे शानदार। और जो ये खेती संभाल रहे हैं इसका मैनेजमेंट कैसे कर रहे हैं उससे आपको मिलाते हैं। ये राम जी वर्मा जी जो खेती देख रहे हैं और इसमें क्या क्या। राम राम भैया, बताइए अपना नाम पता। राम जी वर्मा, ग्राम मरगांव। कितना पौधा लगा है, इसको मैनेज कैसे कर रहे हैं आप, इसमें क्या डलवा रहे हैं अभी फल में। अभी फल में डल रहे हैं, अभी वीएम स्प्रे कर रहे हैं। वीएम स्प्रे क्या, मिट्टी का स्प्रे। मिट्टी का स्प्रे
पीएम स्प्रे और ये कचरा मल्चिंग, कचरा मल्चिंग इसमें लगा है अभी 3200 प्लांट। कचरा मल्चिंग का क्या फायदा है इसमें? कचरा मल्चिंग का अब इसमें डालेंगे जैसे तो ये सब घास फूस है ये सब चीज तो उगेगा नहीं डालने के बाद। और उसको क्या पौधों को क्या मिलेगा इससे? पौधों को आप ठंडी से बचने के लिए सड़ेगा पैरा, उसके बाद उसमें ही आएगा वेट जो बोलते हैं हम खाद बनेगा, वर्मी कंपोस्ट खाद बनता है। यहाँ केंचुआ आएगा, केंचुआ ज़्यादा मात्रा में आएगा, इसमें खाद बनेगा तो हमें खाद खर्चा कम हो जाएगा। हाँ। पैसा कम लगेगा हमको, किसान यही सोच है ना, यही इसी सोच को आगे बढ़ा रहे हैं। पूरे छत्तीसगढ़ में हम रन कराएंगे कि सब किसानों को वही बोल रहे हैं कि आप कचरा मल्चिंग, कचरा नहीं है तो अभी खेत में पैरा जो कट रहा है धान का पराली बोलते हैं उसी को आप डालिए इस तरीके से पूरा खेत में। और हम हैं महावीर किसान छत्तीसगढ़ से भी किसान के साथ, मेरा कांटेक्ट नंबर है 9754038222। आप कभी भी कांटेक्ट करके हमें फोन कर सकते हैं, हम पूरे जानकारी देंगे केले की, आपको प्लांट से लेके हार्वेस्टिंग तक का भी किसान का गाइडलाइन रहेगा। धन्यवाद।